ट्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री का, जो क्लास 10th का कुछ क्वेश्चन जो बाकी है उसको हम करने वाले हैं। बाकी अदरवाइज आप लोगों को बेसिक वीडियो आप लोगों को 2-3 महीने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्लास 10th का बना दिया है। हम लोग कष्ट कर रहे हैं क्वेश्चन रिविजन। देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो 2020 में एग्जाम होने वाला है आपका क्लास 10th के लिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर केवल हम लोग अभी तक कर रहे हैं। जो आपका देखिए बोर्ड एग्जाम 2019-20 2020 का जो एग्जाम आपका होने वाला है 15 फरवरी या 18 फरवरी से, उसी बार में देखिए फोकस ऑन योर गोल। आज का जो कोर्स है आपके वीडियो का वो है आपका फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल का मतलब होता है आप क्या करो आज से मैक्सिमम आपके कितने दिन जो भी बचा है, 35 से 40 दिन पढ़ाई के लिए, आप क्या करो अपने गोल पे, क्या करो उसको फोकस करो। फोकस का मतलब वही होता है कि केवल आपको एग्जाम लिखना चाहिए। आज के बाद कोई स्मार्टफोन अदरवाइज जो भी आपका जो एक गोल को हट के जो भी चीजें आपके अंडर में आ रही है उसको सब क्या के क्लियर कर दीजिए। बाकी ऐसे कारण आपके और पढ़ाई करनी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हो, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन आज के बाद क्या करनी है आपको केवल पढ़ाई करनी है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपका है, 2 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से देखिए प्रूफ, दोनों प्रूवन क्वेश्चन है, प्रूवन क्वेश्चन है। पहला प्रूवन क्वेश्चन में है प्रूफ दैट रूट या अंडर रूट 1 - sin a / 1 - sin a / 1 + sin a इज़ टू sec a - tan a, इसको हमको प्रूवन करना है। हम जानते हैं देखो दो साइड्स हैं आपके, क्या LHS और एक साइड में RHS। हम LHS को प्रूव करेंगे, लाएंगे क्या RHS, यहाँ पे देखिए करेंगे LHS। LHS आपका दिया है √1 - sin a / 1 + sin a। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये करते हैं, देखिए जो एक जो आपका क्वेश्चन दिया है, जब इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए रूट में, क्या आए आपके रूट में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जब दोनों सेम हो तो हम जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। आप रैशनलाइजेशन पढ़ा है इसके फर्स्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। रैशनलाइजेशन क्या होता है बताया, रैशनलाइजेशन जिसको हम क्या करते हैं परिमेयकरण, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने का मतलब जो नीचे का डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसके साइन को चेंज करके। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका आएगा 1 - sin a / 1 + sin a, मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से इसमें, तो होगा 1 - sin a / 1 - sin a। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो अब आप जानते हो थर्ड स्टेप में ये होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप जानते हो a - b a - b सेम, तो जब सेम होगा तो हम क्या करेंगे लिख देंगे 1 - sin² a होल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - sin² होल, 1 - sin a का होल स्क्वायर। नीचे आपका जो फार्मूला बनता है रेशनलाइजेशन में a + b और a - b, तो a + b और a - b इज़ टू क्या होता है, आप लोगों को बताए थे 1 ब्रैकेट a + b और 1 ब्रैकेट a - b इज़ टू होता है a² - b², ये फार्मूला था। ए के जगह पे यहाँ पे क्या 1, बी के जगह पे क्या साइन, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो sin² a हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे बनेगा। आगे इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आएगा देखिए 1 - sin² a 1 - sin² a, इसको सेम ऐसे लिख देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपका, 1 - sin² का होल स्क्वायर / 1 - sin² a इक्वल टू होता है cos² a, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 - sin² a आपका क्या है आइडेंटिटी है, 1 - sin² a इसका जो होता है cos² a, तो वही यहाँ पे देखिए 1 - sin² a के जगह हम क्या लिखें cos² a। अब इसको नेक्स्ट अगेन सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये देखो स्क्वायर ए भी स्क्वायर से भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा अपने आप खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 - sin a / cos a, स्क्वायर दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि sec a - tan a जो आपका RHS है क्या है sec a - tan a, हम यहाँ पे लिखेंगे देखिए 1 / cos a - ये क्या है sin a / cos a, इसको अगेन प्रूफ करेंगे तो आएगा 1 / cos a, इसको हम लिख सकते हैं sec a, क्या लिखेंगे sec a, और sin a / cos a क्या होता है sin a / cos a होता है आपका tan a, क्या होता है tan a, तो ये आपका आएगा प्रूवन। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS, यानी कि जो आपका यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस
ये आपका सिद्ध हो जाता है ऐसे, ठीक है। अगेन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है प्रूफ दैट में, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी LHS RHS दो साइड है, इसमें प्रूफ करने हैं। पहले देखिए दिया है LHS, हम LHS से मैक्सिमम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दिया है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें देखिए जनरली हमको लाना है 10 थीटा, तो हम क्या करेंगे, क्लियरिटी होनी चाहिए वीडियो, और जो आपका क्वेश्चन बनेगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, आप जानते हो दोनों में साइन है, साइन को हम कॉमन कर लेंगे ऊपर नीचे, दोनों में कॉस है, कॉस को क्या करेंगे कॉमन करेंगे। देखिए आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, देखो साइन को अगर कॉमन करें दोनों में ऊपर, जो न्यूमिनेटर आपका है साइन थीटा अगर कॉमन करें तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा वन, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा टू, साइन क्यूब था वन कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, क्या होगा स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे क्या होगा नीचे, देखिए नीचे करेंगे अगर कॉस को कॉमन करें कॉस थीटा को तो बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होता है आपका। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा साइन थीटा। अब आप ये जानते हो, देखो यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन टू थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू टू का स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टू, ये भी क्या होता है साइन, साइन कॉस होता है, एक सेकेंड यहाँ पे क्या होगा कॉस टू थीटा, ये भी क्या होगा यहाँ पे कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा टू थीटा क्या हो जाएगा कैसे, अब यहाँ पे नौ तो यहाँ पे लिख सकते हैं आगे आप लोग, चूंकि इसलिए हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टू क्या होता है आपका कॉस टू थीटा, ये फार्मूला है आपका कॉस टू थीटा इज होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये दोनों आपके होते हैं इस फार्मूले में, ठीक। कॉस टू थीटा का वैल्यू ये भी होती है और ये भी होती है, तो इस दोनों के जगह पे देखिए इसके जगह हम क्या लिखे हैं कॉस टू थीटा और इसके जगह पे क्या लिखे हैं कॉस टू थीटा, तो दोनों सेम ही है तो सेम क्या कट गया, अब बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो बचा है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 थीटा, क्योंकि हमको पीछे पढ़ाया गया है जो आपको आइडेंटिटी रेशियो बताए थे, रेशियो में बताए थे अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो उसको हम क्या लिखेंगे 10 थीटा। अब आपका जो RHS था वो क्या आ गया 10 थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS और यहाँ पे लिख देंगे क्या हैंस प्रूव्ड। ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखना आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।